सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू हैकटेक। सो गाइस, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं कि 30% के बोर्ड को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू। सो गाइस, यूट्यूब पे मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग ये बताते हुए मिलते हैं कि इस बोर्ड को बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे 500 वाट की पावर ले सकते हैं, जो मैं नहीं मानता कि ये पॉसिबल है। ये वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं, लोग बोलेंगे कि इनको आप 8-10 हज़ार लगा दो तो आपकी पावर 5000 वाट हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो ये रियलिटी में ये एक फेक ट्रांजिस्टर है जो इसके साथ आता है, इस बोर्ड के साथ। हमें ये यूज़ में नहीं लेना है। मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ, ये भी जेनरिक ही है, 3770, बस उससे थोड़ा अच्छा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी थिकनेस ही आप देख लो तो थोड़ा तो अच्छा है इससे। और ये मैं पेयर्स में यूज़ में ले रहा हूँ। दूसरी बात यह कि लोग कह देते हैं कि इससे 500 वाट 1000 वाट की पावर आप ले सकते हो, ये मैं नहीं मानता ये बात पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर की जो पावर रेटिंग होती है उसके वोल्टेज और उसके लोड पे होती है। जब तक आप किसी भी एम्पलीफायर की वोल्टेज को नहीं बढ़ाओगे तब तक किसी भी एम्पलीफायर की वॉट्स नहीं बढ़ सकती है। और जो लोड होता है, मतलब 4 ओम 8 ओम का, तो आप उसको मिनिमम 2 ओम से नीचे ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो उसके बाद फिर उड़ ही जाएगा आपका एम्पलीफायर। यहाँ पे मैंने इसके VS ड्राइवर को चेंज किया है। यहाँ पे पहले 548 लगा हुआ था, इस बहुत छोटा ट्रांजिस्टर होता है वो, तो यहाँ पे मैंने BD139 का यूज़ किया है, बेस टू बेस, एमीटर टू एमीटर और कलेक्टर टू कलेक्टर। और गाइस, जैसा कि आपने इस बोर्ड में देखा कि इसमें 2200 mAh के कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है, जो एकदम रॉन्ग है। इस बोर्ड की वोल्टेज के हिसाब से इसमें कम से कम 10,000 μF होने चाहिए। और गाइस, आप लोग यहां देख रहे होंगे कि इस बोर्ड में वेरिएबल सेक्शन नहीं है, वो मैंने निकाल लिया है और इसके इनपुट पे 1K के रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि जो नॉइस आएगी वो सीधे ग्राउंड हो जाएगी। और गाइस, इसमें और मॉडिफिकेशंस के जो चांसेस नहीं हैं, और आप इसमें मतलब मेन इसके जो 47 mAh के जो दो कैपेसिटर्स होंगे उनको 100 mAh में चेंज कर सकते हो। और जो ट्रांजिस्टर्स जो लोग यहाँ पैरेलल दिखाते हैं यूट्यूब पे करके, वो लोग सीधे दिखा देंगे ऐसे। दो एक हमने यहाँ ट्रांजिस्टर लिया 3055, इसको मान लेते हैं बेस मीटर कलेक्टर, या इसको कलेक्टर एमीटर, ठीक है। एक और ट्रांजिस्टर लेंगे, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक। तो एक और ट्रांजिस्टर ले लेते हैं यहाँ पे, बेस कलेक्टर एमीटर। तो वो YouTube पे लोग दिखाएंगे, इसको सीधे जोड़ देंगे, बेस को भी सीधे जोड़ देंगे, एमीटर को भी सीधे ही जोड़ देंगे, लेकिन ये एकदम रॉन्ग मेथड है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि HFE वैल्यू आपकी मैच होगी ही नहीं, चाहे आप सेम बैच के भी ट्रांजिस्टर्स यूज़ में लें। तो सही तरीका ये होता है कि आप इसमें रेजिस्टेंस का यूज़ करें, इसके एमीटर साइड पे और इसके कलेक्टर साइड पे, जहाँ पे स्पीकर्स टर्मिनल जॉइंट होते हैं, जो एरिया वोल्टेज लेने का होता है उसको आप सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा एमीटर है, कलेक्टर है सॉरी, तो उसको हम लोग सीधे ही जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा एमीटर है उस पर एक 1 ओम से लेके 5 ओम या हाँ उतने ही तक की एक 5 वाट की रेजिस्टेंस आपको ले लेनी है। ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है जो इसमें थी, मैंने निकाल दी है, इसके एमीटर पे जोड़ देनी है हमको, और उसके बाद दूसरे के भी एमीटर पे जोड़ के उन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। तो ये हमारा सही तरीका होता है। और बेस पे भी ऐसे नहीं जोड़ेंगे, एक 2.2 ओम्स की 1 वाट की रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे दोनों पे में। और इस बोर्ड के साथ आप मैक्स टू मैक्स 80 वाट की पावर आप ले सकते हैं 4 ओम लोड पे, एक चैनल पे, यानी दोनों चैनल पे आपको कुछ 160 वाट की आउटपुट हो जाएगी, लेकिन आपको ट्रांसफार्मर भी उतना ही अच्छा यूज़ में लेना होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, लेकिन आगे हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे कि मतलब जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें ये एम्पलीफायर मैं असेंबल
करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा चलता है। तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।